ही प्रीटी है ये तो। वाह अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज हम लोग जा रहे हैं मेले, यहाँ पर भोपाल में भोजपाल मेला लग चुका है BHEL पे, तो ये बहुत बड़ा मेला है। आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ, मैं आपको फुल मेले की डिटेल बताती हूँ, मैं बहुत अच्छे से मेले के बारे में आपको दिखाती हूँ। ये जर्मनी सर्कस है, इसका टिकट का चार्ज 300, 200 और 100 भी है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं पार्किंग, यहाँ पर बहुत जगह पार्किंग है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लाखों की तादाद में लोग देखने आते हैं। और यहाँ पर वूलन की भी महासेल लगी हुई है, 500 में और 300 में आपको बहुत अच्छी जैकेट्स मिल जाएंगी। और ये भोजपाल महोत्सव मेला हम आ चुके हैं, अब हम अंदर एंटर होते हैं और फिर हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स लगी हुई हैं यहाँ पर, न्यू राजा गजक ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर कालीन भी मिल रही हैं और डोरमेट भी। कालीन का रेट लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लगा, 10,000-15,000, बहुत ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे रेट, तो इसलिए मैंने तो परचेस नहीं करा है। या आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है, अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप यहाँ ले सकते हैं। बाकी कालीन तो बहुत सारे थे यहाँ पर, डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़्यादा मिल रही थी। और ये आप सामने देख सकते हैं कितनी सारी शॉप्स लगी हुई हैं, यहाँ वुलन की भी शॉप लगी हुई हैं, कश्मीरी शॉल सूट्स वगैरह मिल रहे थे 1500 में और 1000 में आपको अच्छे से शॉल्स मिल जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं खट्टी मीठी गोलियाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं, मैं बचपन में बहुत ज़्यादा लेती थी और आज भी मेरी आदत है कि मैं मेले में सिर्फ ये गोलियों के चक्कर में आती हूँ। और आम पापड़ मेरा फेवरेट है। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर कप्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी थी, 70-50 रुपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे कप मिल रहे थे। और ये देखिए आप, यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं मेले में बहुत सी शॉप्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। यहाँ पर 200 में मैक्सियाँ भी मिल रही थी और यहाँ पे 15 रुपीज़ में कॉफ़ी मिल रही है। टी शर्ट्स पे प्रिंट कराए जा रहे थे, टी शर्ट पे फ़ोटो के प्रिंट हो रहे थे 200 रुपीज़ में, और कप के प्रिंट हो रहे थे, कप पे फ़ोटोज़ वगैरह लगाया जाता है जो, वो 150 रुपीज़ में हो रहा था, और केप पे 100 रुपीज़ में हो रहा है यहाँ पर। और ये मुझे अच्छे से बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मतलब पानी वगैरह से वॉश करने से ये ख़राब नहीं होता है। और ये देख सकते हैं आप, वुडन की वॉच भी रखी हुई है यहाँ पर, 500, 600, 700 में मिल रही थी। और ये आप देखिए पूरा मेला, यहाँ पर टी शर्ट्स वगैरह भी मिल रही हैं, वेस्टर्न टी शर्ट्स, और यहाँ पर गीज़र भी मिल रहे हैं और मिक्सर और बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और ये कुछ शो पीस के सामान भी मिल रहे हैं यहाँ पर, फाउंटेन टाइप के। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लावर वगैरह बहुत अच्छे मिल रहे थे, हाथ से बने हुए फ्लावर थे। और ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पर ये वूलन टी शर्ट्स भी मिल रही हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होने वाला है यहाँ पर थोड़ी देर बाद, अभी यहाँ पर तैयारी चल रही है, जब तक हम पूरा मेला घूम लेते हैं, फिर हम बाद में यहाँ आएंगे और फिर हम आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ बनाया गया है, ये यहाँ पर सब सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। और ये आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर, स्टॉल लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के आपको झूले मिल जाएंगे झूलने के लिए। मुझे तो झूले झूलना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं झूलते, इस चक्कर में फिर भी नहीं बैठ पाती क्योंकि मुझे अकेले बैठना अच्छा नहीं लगता। फुजैल की कोशिश हो रही है झूले में बैठने की, बट फुजैल को डर भी लग रहा है थोड़ा। बहुत खतरनाक होता है ये नाव वाला, बहुत खतरनाक। हाँ
देखो अपने अपनी वीडियो बनाए। ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेंग करा जा रहा है आइसक्रीम खिलाने में इनको, और ये तुर्किश आइसक्रीम है, इसका रेट 100 रुपीज़ है और इसमें बहुत सारे फ्लेवर थे, बड़े चॉकलेट यहाँ पर सबसे बेस्ट होते हैं कुल्हड़ चाय। आप लोग अगर यहाँ आए तो ज़रूर कुल्हड़ चाय ज़रूर ट्राई करें, बहुत गम्मी है। सामने देख सकते हैं राजा भोज की मूर्ति भी रखी हुई है, यहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा सेल्फी ले रहे हैं और वीडियोस वगैरह बनवा रहे हैं, और ये कैप्स वगैरह रखे हुए हैं तो बहुत अच्छे दिखे। तो यहाँ पर हनुमान लगा हुआ है, टॉइन रिंग लाइट ले रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और ये लाइट रखी हुई है 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ की, मैंने भी मेरे बच्चों ने भी ली है ये। और ये आप देख सकते हैं ज्वेलरी जो रखी हुई है ये सिर्फ 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ की है, और ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। आप एक बार जाएं तो आप ज़रूर देखें, 20 रुपीज़ में बुरी नहीं थे, बहुत अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पे 20 रुपीज़ में। ये आइकॉनिक का काजल है, ये लिप ग्लॉस, ये ब्रेसलेट, चेन वगैरह जो भी चेन ये सब चीज़ें रखी हैं सब 20 रुपीज़ में ऑनली। ब्रेसलेट ये देखिए आप कितना सारा सामान है यहाँ पर, देख सकते हैं आप लिपस्टिक्स वगैरह रखी हुई हैं और कलर है इसमें और कलर डिजाइन। रिमिया जी भी कीरिंग देख रहे हैं बच्चों के लिए, मेरे बच्चों को कीरिंग का कुछ ज्यादा ही शौक है। और ये देख सकते हैं ये हैंडमेड है, फ्लावर वगैरह क्लेचर बालों में लगाने के लिए हेयर बैंड बच्चों के लिए 60 रुपीज़ में है ऑनली। ये स्टॉल पिन वगैरह भी रखे हुए थे यहाँ पर, मैंने 2 क्लेचर भी लिए थे, मैं उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। वो ज़्यादा रेट नहीं था, 70 रुपीज़ 50 रुपीज़ में भी क्लेचर बहुत अच्छे मिल रहे थे यहाँ पे। ये देखिए आप कितने अच्छी वैरायटी है, एयर रिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी यहाँ पर। और ये ब्रेसलेट भी रखे हुए हैं यहाँ से बने हुए, आप देख सकते हैं क्लेचर वगैरह हैं, जूड़ा पिन है, ये सिर्फ 78 रुपीज़ में। और ये वाला भी मैंने लिया है, ये 50 रुपीज़ का है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कप्स में और वो बड़ी बड़ी बर्नी अचार वाली, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और ये आप बच्चों के टॉय रखे हैं, ये 350 रुपये के हैं। और ये आप देख सकते हैं कप वगैरह रखे हैं, 19 रुपीज़ से स्टार्ट है यहाँ पर कप, बड़ा एक कप जो होता है वो। और ये चलें अपन आगे चल के देखते हैं, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, यहाँ का व्यू। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर सहारनपुर का फर्नीचर भी है। Yeah.
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।